गुजरात के दरियाए चनाब, दरियाए तवी, हेड मराला और नदी नालों में मुसलसल बारिशों के बायस तुगयानी और सैलाब का खतरा। हुकूमत, जिले इंतजामिया और बल्दियाती इदारों की तरफ से कायम किए गए फ्लड रिलीफ कैंप सिर्फ बराए नाम। इस हवाले से मजीद जानते हैं फील्ड में मौजूद हमारे रिपोर्टर आकाश न्याजी से। गुजरात में हालिया होने वाली बारिशों के बाद जो है यहाँ पर फ्लड आने का जो है खदशात जाहिर किए गए हैं। दरियाए चनाब और इसके साथ साथ जो है दरियाए जेहलम, हेड मराला, नदी नालों में तुगयानी आ चुकी है। जितने दबाड़े हैं वो भी बिफर चुके हैं। इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब की हदायत पर जो है फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो भी जगह जगह कायम किए गए हैं, मगर फ्लड रिलीफ कैंप जो है एक अजीब पोजीशन जो है पेश कर रहे हैं। ये इलाका है गुजरात का इलाका जेल चौक। जेल चौक में आप देख सकते हैं कि ये फ्लड रिलीफ कैंप जो है कायम किया गया है। फ्लड रिलीफ कैंप जो है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया गया है, मगर यहाँ पर दूर दूर तक बंदा ना बंदे की जात है। ये सिर्फ एक झोपड़ी बनाई गई है। झोपड़ी के अंदर हम देखते हैं कि कोई इधर है, हेलो कोई इधर है नहीं। इधर दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, मेट्रोपॉलिटन का कोई ऑफिसर नहीं, उनकी कोई टीम का आदमी नहीं। जो रिलीफ कैंप जो है कि अगर किसी ने शिकायत करनी है कि हमारे इलाका में सलाबी पोजीशन है, हमारी गलियों में पानी बारिशी पानी खड़ा हो चुका है, तो यहाँ पर किस आदमी को आकर वो शिकायत करें कि क्योंकि यहाँ पर बंदा ना बंदे की ज़ात दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। सिर्फ ये हमारे कैमरा दिखाएंगे चारों तरफ से कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो है कोई नामो निशान नहीं है। अवाम इसके खिलाफ सरापा एहतजाज भी है, उनने मुतालबा किया है कि ऐसे फ्लड रिलीफ कैंप जो है लगाने की बजाय ये लोगों की आंखों में धूल ना झोंकी जाए और जिले इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर गुजरात और जो चीफ ऑफिसर है कमर जीशान, इसका सख्त नोटिस लें कि अगर आपने मजाक ही करना है लोगों के साथ कि फ्लड रिलीफ कैंप तो बनाने हैं लेकिन वहाँ पर कोई आदमी मौजूद नहीं होगा तो ऐसे फ्लड रिलीफ कैंप का कोई भी फायदा नहीं है। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।